नमस्कार दोस्तों। तो जिस टॉपिक पर आज हम चर्चा करने वाले हैं वो ये है कि हाँ जी, स्टार्टअप्स को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ही बनानी चाहिए भारत में। अगर आप भारत में कहीं भी एक स्टार्टअप खोलना चाहते हैं या खोलने वाले हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, बीच में कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। तो हमारे साथ हैं दोस्तों, ये वीडियो कहीं से कहीं तक किसी भी तरीके का एडवर्टीजमेंट ना है, ना इसे माना जाए ना इसे समझा जाए, सिर्फ एक ट्यूटोरियल वीडियो है नॉलेज पर्पसेस के लिए। रचित जी कंपनी सेक्रेटरी हैं और सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हैं। रचित जी, मैं आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो में। तो थोड़ा सा ये बताएं कि हाँ जी, स्टार्टअप्स क्यों बेहतर है और उसके लिए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ही बनाना क्यों बेहतर है? देखिए, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एक तरीके का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, एक ऑर्गेनाइजेशनल व्हीकल है जिसमें कि आप अपना बिजनेस रन कर सकते हैं। जैसे कि पुराने टाइम से चले आ रही है प्रोप्राइटरशिप फर्म्स, पार्टनरशिप फर्म्स, वैसे ही प्राइवेट लिमिटेड भी एक पुरानी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, बट इस टाइम पे बहुत ज्यादा फेमस हो रही है क्योंकि इसके पॉजिटिव जो प्रोज है वो बहुत ज्यादा है। जैसे कि एक तो ये, इसके जो शेयर्स होते हैं वो ट्रांसफरेबल है, कॉन्टिन्यूटी एग्जिस्टेंस है, परपेचुअल एग्जिस्टेंस है, मतलब कि अगर आपके डायरेक्टर्स को कुछ हो जाता है कंपनी के शेयर्स ट्रांसफरेबल होते हैं, नेम चेंज हो जाता है, एड्रेस चेंज हो जाता है आसानी से, जीएसटी नंबर में भी आपको उसमें बेनिफिट्स मिलते हैं। आजकल स्टार्टअप्स के लिए कई सारी स्कीम्स आ चुकी हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट पैसा डाल सकते हैं, तो बहुत तरीके की इसके अंदर लीगल फैसिलिटीज है बेसिकली। अच्छा, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया, इन सब में रजिस्ट्रेशन आसानी से मिल जाता है। तो बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम्स है, एमएसएमई स्कीम्स है प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के लिए, तो इसकी जो बेनिफिट्स हैं वो बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू जो इसके नुकसान है। नुकसान भी कुछ है, ऐसा नहीं है कि प्राइवेट लिमिटेड बनाकर आपका बेनिफिट होना शुरू हो जाएगा फर्स्ट डे से ही। कई नुकसान भी है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के, ट्रांजेक्शन इतनी आसानी से नहीं होती है, कॉस्टिंग थोड़ी ज्यादा आती है चीजों की एज कम्पेयर टू प्रोप्राइटरशिप। बट अगर आप इसको प्रॉपरली रेगुलेट कर रहे हैं, अच्छे से इसको मेंटेन कर रहे हैं, प्रोफेशनल की गाइडेंस के अंदर काम कर रहे हैं, तो आपको इसमें बहुत ज्यादा बेनिफिट हो सकता है अगर आपका प्रोजेक्ट प्लान अच्छा है। सर, थोड़ा सा बताएं कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है क्या और किस तरीके से बनाई जा सकती है, मतलब कितने लोग हैं? हाँ, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आपकी कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर गवर्न होती है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मिनिमम आपको डायरेक्टर्स की रिक्वायरमेंट और शेयर होल्डर्स की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि दो डायरेक्टर्स होते हैं वही दो शेयर होल्डर्स भी बन सकते हैं। उसके अंदर आपको प्रोसेस का अगर मैं बात करूं, आपको सबसे पहले प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए एक नेम की रिक्वायरमेंट होती है। हम मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट पे नेम अवेलेबिलिटी कभी भी चेक कर सकते हैं, वो आप खुद भी चेक कर सकते हैं चेक नेम अवेलेबिलिटी फंक्शन में जाके जो डैशबोर्ड पे अवेलेबल है। उसके बाद हम नेम अप्रूवल के लिए एप्लीकेशन डालते हैं जिसके अंदर हम मिनिमम दो नाम दे सकते हैं और आपका जो ऑब्जेक्ट्स होगा, जो भी आप ऑब्जेक्टिव मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो कि बायलॉज होते हैं एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के, यानी कि कंपनी जिस मेन ऑब्जेक्टिव्स के लिए काम कर रही है वो लिखवाना मैंडेटरी होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, वही मेन ऑब्जेक्टिव्स हम नेम अप्रूवल के टाइम पे डालते हैं। मिनिस्ट्री हमको 24 घंटे के अंदर नेम अप्रूवल करके दे देती है इनकेस उनको कोई रिजेक्शन नहीं आता है। ट्रेडमार्क कोई उस नेम का कोई ट्रेडमार्क नहीं है, उस नेम से पहले कोई कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है, तो आपका नेम अप्रूवल 24 से 48 घंटे के बीच में आ जाएगा। उसके बाद आपको प्रोफेशनल को अपने डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे जो कि आपके केवाईसी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक स्टेटमेंट अपडेटेड और एक इलेक्ट्रिसिटी का बिल जिस जगह पर आपको अपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर करनी है। तो बेसिकली ये डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि रिक्वायर्ड रहते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए। उसके बाद आपका डेन, डीएससी, पैन, टैन, ईएसआई, पीएफ, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जीएसटी, एमएसएमई, ये सर्टिफिकेट्स होते हैं जिनके लिए प्रोफेशनल्स एप्लीकेशन लगाते हैं। अच्छा, तो ये बेसिक प्रोसेस होता है प्राइवेट लिमिटेड फॉर्म करने का। ओके ओके सर, थोड़ा सा मेरे को ये बताएं कि हाँ जी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बेनिफिट्स क्या होते हैं जब हम फंड्स रेज कर रहे होते हैं किसी भी स्टार्टअप्स के लिए? देखिए, कोई भी बिजनेस कैसे चलता है, फाइनेंस की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है। क्या पता आपके पास बहुत अच्छा आइडिया हो बट आपके पास वो फाइनेंसेस ना हो उस आइडिया को बूस्टअप करने के लिए। तो बेसिकली वेंचर कैपिटलिस्ट हो गए, बड़े बड़े जिनको आइडियाज पसंद आते हैं वो कंपनी के अंदर पैसा डालते हैं और उनको उसकी जगह मिलती है इक्विटी। इक्विटी एक तरीके का पार्ट होता है, आपका कंपनी का हिस्सा होता है जो कि वेंचर कैपिटलिस्ट या जो भी बंदा पैसा लगा रहा है कंपनी के अंदर वो उसको लेता है। उसकी एक्सपेक्टेशन ये होती है कि उस पार्ट के बदले मेरे को पैसा रिटर्न में मिले, मतलब एक आरओआई बन जाए, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बन जाए। सपोज मैं 10 लाख रुपया डाल रहा हूँ किसी कंपनी के अंदर आपके आइडिया में, तो मुझे उसके बदले कुछ ना कुछ आरओआई मिलता रहे, मुझे एक स्टेक मिल रहा है, तो उसे इक्विटी कहते हैं बेसिकली। तो
इसके अंदर सबसे बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है, आप मेजर नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स, नंबर ऑफ शेयर्स इशू कर सकते हैं शेयर होल्डर्स को। 200 की लिमिट होती है बेसिकली प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, बट अगर आपको उससे भी ज्यादा ऊपर जाना है तो आपको पब्लिक कंपनी फॉर्म करनी पड़ती है। वो हम आगे नेक्स्ट टॉपिक्स में डिस्कस करेंगे जरूर उसके बारे में। सर थोड़ा सा बताएंगे हम जी ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स का जो फायदा है वो स्टार्टअप्स कैसे ले सकते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के थ्रू? बेसिकली ट्रांसफरेबिलिटी एक प्रोसेस है जिसके अंदर आप अपने शेयर्स को ट्रांसफर कर सकते हैं, यानी कि सपोज मैंने और आपने मिलकर एक कंपनी इनकॉर्पोरेट करी है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अब हम दोनों का जो है आगे चल के मन करा कि हम और बिजनेसेस में जाएंगे, हम उस कंपनी पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, तो आपके पास या मेरे पास ये ऑप्शन है कि दूसरा जो व्यक्ति है जो कि इस काम में इंटरेस्टेड है आपके साथ, तो मैं उसको अपने शेयर ट्रांसफर कर दूंगा, वो आपके साथ लग जाएगा। तो बेसिकली हमारा जो है कंपनी बंद नहीं होने की, कंपनी चलती रहेगी, बिजनेस चलता रहेगा, पर जिसका जो इंटरेस्ट खत्म हो गया, सपोज बिजनेस में मेरा इंटरेस्ट नहीं अब आगे काम करने का ये वाला, तो मैं एग्जिट रूट मेरे को अवेलेबल है। तो बेसिकली ट्रांसफरेबिलिटी है कि एग्जिट रूट होता है एक शेयर होल्डर के लिए जो कि अपने शेयर्स को ट्रांसफर करना चाहता है और उसके बदले उसको उस वैल्यू के हिसाब से जो भी बैलेंस शीट है, जो भी बैलेंस शीट में एक वैल्यू आती है निकल के शेयर्स की, उसके हिसाब से मुझे पैसा मिल जाएगा और उसको मेरा स्टेक मिल जाएगा, जो भी शेयर जो भी मेरे को पैसा देगा और मुझसे शेयर्स लेगा। थोड़ा सा एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन के बारे में भी नजर डालेंगे, अगर हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाते हैं तो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन हमको क्या मदद दे सकता है एज ए स्टार्टअप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में? बेसिकली कुछ तरीके के कैपिटल रेजिंग की ये टेक्निक्स होती हैं, जैसे कि ईसॉप्स हो गए, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, बोनस शेयर, राइट इशू, ये बहुत तरीके की चीजें हैं जिसको हम आगे चल के डिस्कस करेंगे, बट अगर आपने भी ईसॉप से पूछा है तो मैं ईसॉप के लिए बताता हूँ आपको। एक तरीके का एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान का ये बेनिफिट होता है, जो भी मेरे एम्प्लॉयज हैं, एक तरीके से मेरा स्टार्टअप है तो एम्प्लॉयज मेरे साथ शुरू से लगे हुए हैं, वो एक तरीके से मेरे पर भरोसा कर रहे हैं, क्यों वो टीसीएस में या फिर कोई बड़ी इंफोसिस जैसी कंपनी में आईटी डिपार्टमेंट में नहीं लग जाते, जिसमें उनको ग्रोथ मिलेगी पक्का 10% और उनका फ्यूचर सिक्योर है, वो मेरे साथ रिस्क ले रहे हैं, तो मैं उसके हिसाब से उनको एक बेनिफिट दूंगा, एक प्रीमियम उनको दूंगा जिससे कि उनको आगे चल के बेनिफिट मिलेगा। मैंने उनको शेयर्स अलॉट कर दिए अपनी कंपनी के जिससे कि उनको आगे चल के बेनिफिट मिलेगा, अगर मेरी ग्रोथ अच्छी हो गई तो उनको मैं हाइक उनका स्टेक बढ़ाऊंगा अपनी कंपनी, क्योंकि उनका एक तरीके से मेरे साथ शुरू से वो जुड़े हुए हैं, तो इसलिए ईसॉप ज्यादा लोग स्टार्टअप्स में देते हैं। और जो पुरानी कंपनीज है वो भी आजकल ईसॉप के प्लान लाती हैं जिससे कि कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो कंपनी के अंदर एम्प्लॉयज का। तो बेसिकली एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान ये है और इस कंपनी से 2013 से रेगुलेट होता है पूरा प्रॉपरली और शेयर्स एम्प्लॉयज के नाम पे इशू होते हैं। बेसिकली आप एक गिफ्ट मान लो एक तरीके से, एक एम्प्लॉयज को बेनिफिट दे दिया हमने कि भाई जो शेयर की मार्केट वैल्यू उससे सस्ते के दाम में हमने ईसॉप उनको इशू कर दिया विद मिनिमम लॉक इन पीरियड, लॉक इन पीरियड्स भी होते हैं इसके अंदर। ओके सर थोड़ा सा मुझे इस पे गाइड करें कि हाँ जी जैसे हमने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई और हमारा स्टार्टअप है और हम नो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट में होते हैं क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी उसी चीज के लिए बनाई होती है, तो इसका बेनिफिट क्या मिलता है मतलब किसी भी स्टार्टअप को? देखिए पहले मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट इन केस ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वाज 1 लाख रुपीस एंड इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट वाज 5 लाख रुपीस, बट गवर्नमेंट ने ये कैपिटल की रिक्वायरमेंट खत्म कर दी है। इसके अंदर ये होता है कि सब आपके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो जो सब्सक्राइबर हैं, जो जो शेयर होल्डर बन रहे हैं, वो कितना पैसा करंट अकाउंट में कंपनी के एज अ कैपिटल शो करना चाहते हैं। तो बेसिकली आपकी पेड अप शेयर कैपिटल वो कैपिटल होती है जो कि शेयर होल्डर्स अपने ऊपर लेते हैं लायबिलिटी कि इतना पैसा हम जमा करेंगे कंपनी के करंट अकाउंट में, और इन केस कोई कंपनी डिफॉल्ट कर देती है तो उतने ही पैसे के लिए वो लायबल होते हैं। पर्सनल एसेट्स कभी भी इसके अंदर हेल्ड नहीं किए जाते हैं शेयर होल्डर्स के। सपोज मैंने 50,000 रुपए की लायबिलिटी ली है कंपनी की और कंपनी ने 5 लाख का डिफॉल्ट कर दिया, तो मेरी जो लायबिलिटी है वो सिर्फ 50,000 रुपए तक की है, 5 लाख रुपए मुझसे कोई आके वसूल नहीं कर सकता है, ना कोई कोर्ट मुझे ऑर्डर दे सकता है कि 5 लाख रुपए आप कंट्रीब्यूट करो, मेरे जितने शेयर हैं उतना ही मैं उसके लिए लायबल हूँ बस। तो ये इसका फंडा है पूरा। ओके सर थोड़ा सा बताएं सेपरेट लीगल एंटिटी का क्या मदद मिलता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में अगर हम स्टार्टअप हैं तो? क्या रिपीट करिए क्वेश्चन? सेपरेट लीगल एंटिटी का क्या बेनिफिट मिलता है अगर? जैसे कि मैंने आपको बताया सेपरेट लीगल एंटिटी एक तरीके से पर्सनल एसेट्स कभी भी होल्ड नहीं होते हैं, एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, इसकी सेपरेट एग्जिस्टेंस है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की,
इसके अंदर आप एक तरीके से डायरेक्टर बन के आप ओनर ओनर तो हो, आप शेयर होल्डर हो तो आप ओनर हो, बट डायरेक्टर्स एक तरीके जो डे टू डे एक्टिविटीज मैनेज कर रहे हैं वो एक तरीके से सैलरी ले रहे हैं कंपनी से। तो कंपनी को एक पूरी लीगल एग्जिस्टेंस दी गई है, सेपरेट लीगल एंटिटी है, तो उसके नाम पर ही केस होता है। कंपनी के नाम पे कोई भी नोटिस इशू होता है वो कंपनी के नाम पर आता है। डायरेक्टर्स एज अ रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बट प्रॉपरली जो केसेस होते हैं वो डायरेक्टर्स के नाम पे नहीं, कंपनी के नाम पर होता है। डायरेक्टर इज जस्ट लाइक एन ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव। ओके सर, इंटरनेशनल फंडिंग के बारे में भी थोड़ा सा बताएं कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में इंटरनेशनल फंडिंग के क्या एवेन्यूज हो सकते हैं। इंटरनेशनल फंडिंग के लिए आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस होती है, उनको हमें देखना पड़ता है कि आपका किस तरीके का बिजनेस है, क्या कौन सी कैटेगरी में आता है, क्या वो ऑटोमेटिक रूट में आता है, क्या वो अप्रूवल रूट में आता है। डिफेंस का सेक्टर है वो पूरा अप्रूवल रूट में आता है, उसमें फंडिंग लाना बहुत मुश्किल होता है, बट ऑटोमेटिक रूट में आपको फंडिंग बहुत आसानी से मिल जाती है। आप नॉर्मल उनको शेयर्स इशू कर देते हैं, फॉरेन डायरेक्टर्स जो होते हैं वो हमारे कंपनी के अंदर डायरेक्टर बन जाते हैं, उनकी एक परसेंटेज होती है 49%, वो आप होल्ड कर सकते हैं। और जो फॉरनर्स है वो इंडिया में कंपनीज भी खोल सकते हैं, उसमें उनको डिन नंबर, डीएससी, ये सब चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, उनके डॉक्यूमेंट्स अपोस्टाइल्ड होने चाहिए फ्रॉम देयर एम्बेसी। तो बेसिकली ये इसका प्रोसीजर होता है, बाकी केस टू केस डिपेंड करता है। जब कोई क्लाइंट आता है हम उसको केस टू केस एडवाइस करते हैं कि उसके केस में क्या बेटर है, कितना उसको स्टेक देना चाहिए अपनी कंपनी में, उसका बिजनेस किस तरीके का है, तो वो उन चीजों पर डिपेंड करता है। ओके सर, थोड़ा सा परपेचुअल एग्जिस्टेंस वाले पॉइंट पे भी ध्यान डालें कि हाँ जी परपेचुअल एग्जिस्टेंस की क्या रूपरेखा होती है, अगर वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाता है तो कोई भी स्टार्टअप तो बहुत नॉर्मल चीज है। परपेचुअल एग्जिस्टेंस का मतलब ये है कि आज मैं किसी कंपनी में डायरेक्टर हूँ और मैं नहीं रहता, सपोज किसी कारणवश कोई इशू आ जाता है मेरे साथ, मैं डेथ हो जाती है, कुछ भी हो जाता है एक्स वाई जेड किसी भी इंसान की, उसके बाद वो लीगल परपेचुअल सक्सेशन आगे वो कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। एक तरीके का प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में ट्रांसफरेबिलिटी है, शेयर्स ट्रांसफर है, तो वो शेयर्स बेसिकली आगे चले जाते हैं, अगर उनका बेटा हो गया कोई भी हो गया तो वो आगे उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकता है। बेसिकली नॉर्मल परपेचुअल सक्सेशन कंपनी हमेशा गो ऑन करती है जब तक उसके अंदर बिजनेस रन कर रहा है। डायरेक्टर्स आएंगे जाएंगे, नए डायरेक्टर्स अपॉइंट होंगे, शेयर होल्डर्स बदलेंगे, तो बेसिकली कंपनी लीगल एग्जिस्टेंस है, कंपनी की अपनी एक एग्जिस्टेंस है, वो चलती रहेगी। ओके थोड़ा सा सर ये भी बताएंगे हाँ जी एग्जिट प्लान किस तरीके से बेहतर रहता है अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हम चूज करते हैं स्टार्टअप्स के लिए। बेसिकली एग्जिट प्लान में आपको ये देखना पड़ता है कि आपके जो शेयर्स की वैल्यू है वो कितनी वैल्यू है, और जो सामने वाला खरीदने वाला है वो आपकी वैल्यू को क्या पूरी तरीके से फुलफिल कर पा रहा है, क्योंकि सिर्फ वैल्यू बैलेंस शीट की नहीं होती है। एक स्टार्टअप को मैंने बनाया है, मैंने रात भर जागा हूँ, मेरी गुडविल है, मैंने उसके लिए मेहनत करी है, मेरी आईपीआर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स उसमें लगी हुई, तो हर चीज की वैल्यूएशन होती है। जरूरी नहीं कि रिजर्व एंड सरप्लस और मेरी कैपिटल के हिसाब से मुझे पैसा मिल जाए, उसमें बहुत सारे कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स होते हैं एक्चुअल में। तो वो चीज केस टू केस डिपेंड करती है कि किस तरीके का आपको बायर मिल रहा है, क्या एग्जिट रूट है, क्या सामने वाली पार्टी आपको सिर्फ रॉयल्टी कुछ देना चाह रही है, सैलरी बेस पे रखेगी या आपका सारा स्टेक अपने पास रखेगी, वो सब केस टू केस पे डिपेंड करता है। ओके दूसरी बात मैं ये जानना चाहूंगा, क्या इजीली एक्विजिशन पॉसिबल होता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का अगर कोई कंपनी एक्वायर करना चाहती है तो? एक्वायर जो बेसिकली फंड है वो टेक ओवर होता है एक्वायर करना, पर टेक ओवर जब ही होता है जब आपके जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं वो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करें, एक आपका टेक ओवर का प्लान बनता है प्रॉपर तरीके से, उसमें कई तरह की गाइडलाइंस आ जाती हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए, टेक ओवर रेगुलेशंस बनाई गई हैं उसके लिए, तो वो सब चीजें भी केस टू केस डिपेंड करती हैं। जब तक शेयर होल्डर्स एग्री नहीं करते तो टेक ओवर नहीं हो सकता है। टेक ओवर बेसिकली उस कंपनी का होता है 90% जहाँ पे इश्यूज चल रहे हैं, मैनेजमेंट इश्यूज चल रहे हैं या फिर कंपनी अच्छे से रन नहीं कर पा रही है, बट उसका प्लान बहुत अच्छा है, अगर उसको फाइनेंस मिल जाए टेक ओवर, उसको कोई अच्छी बड़ी कंपनी कर ले, तो वो बिजनेस आगे चल के बहुत ज्यादा फ्रूटफुल हो सकता है। तो बेसिकली टेक ओवर उन केसेस में ही बेनिफिशियल रहता है, और इसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन परसेंट मोर देन 75% का अप्रूवल लेना पड़ता है जो भी शेयर होल्डर्स होते हैं। ओके धन्यवाद रचित जी, आपने बहुत ही अच्छी तरीके से विवरण दिया सारी चीजों का। थैंक यू गौरव।